उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला तेजी से चल रहा है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव और साढ़ू प्रमोद गुप्ता के बीजेपी में शामिल होने के बाद सोमवार को बीजेपी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंध लगाई। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक सुभाष राय सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं सुभाष राय अंबेडकर नगर के जलालपुर से विधायक है। बताया जाता है कि राकेश पांडे के सपा में आने से इनका टिकट अधर में था। दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सुभाष राय को ज्वाइन कराया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा और भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में भगवा दल की सदस्यता ग्रहण की। स्वतंत्र देव सिंह ने राय का पार्टी में स्वागत करते हुए दावा किया कि यूपी में आज कानून का राज है और राष्ट्रवाद विकास की बयार चल रहा है। साथ ही कहा कि सुभाष राय भाजपा में शामिल हुए हैं या उनकी घर वापसी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सौर न्यूज इंडिया। सुभाष जी को पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा में थे, युवा मोर्चा के अपने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के साथ पदाधिकारी थे। पुनः बीजेपी में इनकी वापसी हुई है, घर वापसी हुई है और जो कानून का राज है राज्य के अंदर, जिसके कारण राज्य के अंदर शांति है और एक राष्ट्रवाद और विकास की जो बयार चल रही है राज्य के अंदर, जो वातावरण निर्मित हो रहा है, ये सब देखते हुए सुभाष जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है।